तो स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स की कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले हैं जो कि हम इसके बारे में आपके साथ बातचीत कर रहे हैं आज की क्लास में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज तो क्या होता है कि मेरे पास जो है एवरेज के बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। पहला है एवरेज, एवरेज फॉर्मूला सिलेक्टेड सेल से एवरेज निकाल के देता है। फिर आता है फॉर्मूला एवरेज ए, एवरेज ए, एवरेज ऑल। तो एवरेज ऑल में क्या होता है, एक दोनों ब्लैंक को कंसीडर नहीं करता है। देखिए ब्लैंक कर दिया तो एरर नहीं चेंज हुआ, तो ब्लैंक को कंसीडर नहीं करता है। अब इसमें मैं अगर ट्रू एंड फॉल्स देता हूं तो मेरा एवरेज ए कंसीडर करता है। एवरेज ए क्या करता है, उसको कंसीडर करता है। तो क्या कंसीडर करता है, तो ट्रू को 1 मानता है, फॉल्स को 0 मानता है। ठीक है, ट्रू को 1 एंड फॉल्स को 0 मान, क्लियर है? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू। समझ में आ गया कि नहीं आपको सर? तो एवरेज फॉर्मूला इसके लिए होता है। उसके बाद इसमें एवरेज एक फॉर्मूला हमारा इसका एवरेज का है, यहां पे ये रहा आपका एवरेज। और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज डेव, एवरेज डेव। और एवरेज डेव क्या कर रहा है, देखिए इसका जो एवरेज निकाल रहा है आपका यहां पे, तो नॉर्मल एवरेज तो 22 निकालता है, फिर ए इतना कम क्यों निकाल रहा है? तो इसको बोलते हैं एवरेज डिफरेंस। जैसे इसने क्या किया, F2 यहां देखिए, सबसे पहले एवरेज निकाल रहा है, फिर क्या निकाल रहा है, एवरेज। और फिर एवरेज क्या कर रहा है कि हर नंबर में से इसको माइनस करके इसका डिफरेंस निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है, डिफरेंस। ठीक है, और इस डिफरेंस को पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव को नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव रख के फिर उसका एवरेज निकालता है। मतलब कि जो एवरेज है और एवरेज से जो नंबर का डिफरेंस है उसका एवरेज निकालता है। समझे कि नहीं? कौन सा फॉर्मूला लगाता है, ये रहा एवी, एवी मतलब एवरेज डे, एवरेज ऑफ डेविएशन करते हैं इसको, एवरेज ऑफ डेविएशन कहते हैं इसको। ठीक है, डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन, समझे कि नहीं? ए डेविएशन का एवरेज निकालता है। अगर हम डेविएशन का फॉर्मूला यहां पे रिटर्न द सम स्क्वायर डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन, एस्टिमेटेड एक्सटेंडेड डेविएशन बेस्ड ऑन द सिंपल एंड सेलेक्ट द सोर्स। तो यहां पे हमने अपना ले लिया एंड फील्ड हमने दिया 1, क्राइटेरिया हमने दिया, नहीं एक्सटेंडेड डेविएशन अलग होता है यहाँ पे, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर, सिंपल से बात समझिए, नहीं इसका क्या करता है कि ए एक्सटेंडेड डेविएशन निकाल रहा है, राइट, ये 22 निकाला। अब उन्हें सर 22 क्या दिया इसने आपको, यहाँ पे मैं बताता हूँ मैंने, कि अगर हम यहाँ पे एवरेज डेविएशन निकालते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशन, एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन, तो ये आपको 22 आया। अब 22 किस बेस में आया, तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसका एवरेज निकाला। क्या निकाला, इसका एवरेज, नॉर्मल एवरेज। नॉर्मल एवरेज निकालने के बाद हर नंबर से उस एवरेज का डिफरेंस निकाला कि भाई इसमें से माइनस ए किया। ठीक है, और फिर अब इसमें कुछ माइनस कुछ प्लस आएगा, तो एवी क्योंकि एब्सोल्यूट है इसे एवीएस निकाला, और फिर इस एवीएस निकाल के फिर जो रिजल्ट आया उसका इसने एवरेज निकाला। समझे अब? फिर बात करते हैं मैक्स का। तो हमारे अगर मान लीजिए इसमें से मुझे मैक्सिमम पता करना है तो क्या होगा, मैक्स फॉर्मूला। मिनिमम पता करना होगा तो मिन फॉर्मूला, राइट। यहां पे अगर हम मैक्स का लगाते हैं तो ये मैक्सिमम निकाल के देगा, और यहां मैं मिनिमम करता हूं तो यहां पे मिनिमम निकाल के देगा।
ठीक है। लेकिन इसी में मैं अगर लगा ला मैक्स ए, तो मैक्स ए ट्रू को वन एंड फॉल्स को जीरो देगा, और मीन ए भी ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को जीरो समझेगा। देखिए समझे। उसके बाद हम काउंट की बात करते हैं, तो काउंट के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। पहला है काउंट, जो कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है। फिर आता है काउंट ए, नंबर और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। एंड आता है काउंट ब्लैंक, जो कि हम सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। किसको काउंट करता है? सिर्फ ब्लैंक। ठीक है। अब आता है लार्ज, तो एक तो हमें मैक्स निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे सबसे पहला मैक्स चाहिए, फिर सबसे दूसरा, फिर उससे तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। तो यहां पे हम निकाल लेंगे फॉर्मूला किसका? लार्ज का। लार्ज लार्ज फॉर्मूला में हम सेलेक्ट करेंगे डेटा को, इसमें से सबसे पहला लार्ज निकाल के दिया 90, फिर उसको नीचे ड्रैग किए तो दूसरा लार्ज 89। समझे। उसी तरह से यहां पे, हाँ, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर चीजें दो बार रिपीट हो गए, जैसे यहां पे 90 दो बार हो गया, तो यहां पे दो बार है। ठीक है। फिर स्मॉल फॉर्मूला जो है स्मॉल निकाल के देता है। फिर बारी आती है रैंक, क्योंकि हमने रैंक के हिसाब से नंबर निकाला। अब मुझे नंबर के हिसाब से रैंक पता करना है कि 20 का रैंक क्या है। तो रैंक के क्या फॉर्मूला है? एक तो सिंपल रैंक है, वो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए, और बताइए कि कौन सा बढ़ते हुए क्रम में चाहिए या घटते हुए क्रम में चाहिए। तो मुझे नीचे से ऊपर की तरफ 20 का पोजिशन चाहिए, जो कि तीसरा है। मतलब मैं यहां पे अगर तीन नंबर डालूं तो यहां 20 आए। और इसी में अगर मैं कर दूंगा यहां पे जीरो कर दूंगा, तो ये 89 दिखाएगा। क्या दिखाएगा? 28, सॉरी 20। मैं यहां पे 28 डालूंगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से यहां पे रैंक के एक और फॉर्मूला यहां पे दिखेगा। रैंक रैंक के अंदर जाते हैं तो रैंक एवरेज, तो ये आपको एवरेज बताएगा कि क्या है, जैसे पॉइंट्स आएगा। ठीक है ना। इसमें देखेगा 3.5। सेम ऐसे आपका रैंक जो आएगा ईक्यू, मतलब कि एस्टिमेटेड आता है ईक्यू, मतलब इसमें हम रैंक देते हैं कि मुझे भी 20 का इसमें रैंक चाहिए ऑर्डर में आगे, तो ये आपको 3 दिखाएगा। ठीक है, समझे। अब बात करते हैं फोरकास्ट की। किसकी? फोरकास्ट की। अब यहां पे देखिए, मेरे पास यहां पे एक डेटा है, दिख रहा है, हर महीने की सेल्स से, है। अब मुझे 8वें महीने, 9वें महीने, 10वें महीने क्या सेल्स से पता करना है। तो इसके लिए हमारे पास फोरकास्ट का फॉर्मूला है। किसका? फोरकास्ट। फोरकास्ट जिसमें हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारा मंथ कौन सा है और सेल्स कौन सा हमारा। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, हम गलत दे दिए। फोरकास्ट कौन से महीने का चाहिए? तो मुझे 8वें महीने का चाहिए। ठीक है ना। किसका चाहिए? 8वें महीने का। सेल्स क्या है? तो सेल्स ही रहा। और आपका ये क्या है? मंथ डे क्या है? तो मंथ है। तो देखिए 32 दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर हम फोरकास्ट, बताता हूँ फोरकास्ट, इसमें एक एस्टिमेटेड आता है। क्या आता है? एस्टिमेटेड। तो टारगेट डेट कौन सा है? 8वां है। फिर आता है आपका टाइम, वैल्यू कौन सी है? तो वैल्यू ए रहा। फिर पूछा था टाइम लाइन कौन सा है, तो मैंने बोला कि टाइम लाइन हमारा ए। तो ये देखिए एस्टिमेटेड दिखाया। ऐसे आप फोरकास्ट पे आते हैं तो कॉन्फिडेंट है, सबका कैलकुलेशन है। अगर आप ये पढ़ते हैं और फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे, जब फाइनेंस की अगर बैकग्राउंड होती है, तो आप समझ पाते कि क्या कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिट आता है, टारगेट डेट 8वां महीना है,
फिर आता है आपका वैल्यू, हमारा वैल्यू ये रहा, और ये हमारा टाइमलाइन, ये हमारा टाइमलाइन रहा। फिर यहाँ पे हम फोरकास्ट लगाते हैं, और फोरकास्ट में यहाँ पे सीजनली एस्टिमेटेड सीजनलिटी है, तो वैल्यू वैल्यूज हम इसको सिलेक्ट किए हैं, टाइम लाइन हम इसको सिलेक्ट किए, 0 दिखा रहा हूँ मतलब। और डेटा कंपेयरिंग में हमने मान लीजिए 30, डेटा कंपेयरिंग में हम ऑटोमेटिक कर लेते हैं, एग्रीगेट हमारा लेते हैं कि भाई एवरेज होना चाहिए, 0 आया। देखिए इसको सबसे अच्छा क्या होता है कि इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ इंसर्ट, इंसर्ट में आइएगा, इंसर्ट नहीं डेटा में, डेटा में आइएगा तो यहाँ पे पार्टी के बगल में फोरकास्ट लिखेगा, फोरकास्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है ना। और ये आपका पूरा सेट है, दिख रहा है आपको, आपको कौन सा चार्ट चाहिए, ए चार्ट में चाहिए, ए चार्ट में चाहिए, तो चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जस्ट क्रिएट पे क्लिक कीजिए, एक नई सीट पे आपको क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका यहाँ पे फोरकास्ट हो गया, दूसरा आता है फोरकास्ट कॉन्फिडेंट बाउंड में, और दूसरा यहाँ पे आता है एस्टिमेट कॉन्फिडेंट आ गया, और ये आता है आपका फोरकास्ट एस्टिमेट कॉन्फिडेंट प्लस में, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया आपका, तो इतना सेल होगा, कम से कम इतना होगा और ज्यादा ज्यादा इतना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, अब मुझे यहाँ पे देना है कि जैसे 10, 30, 40 आ रहा है, मुझे इसमें देखना है कि 10 से 20 कितना है, 30 से 40 कितना है, तो इसके लिए हमने क्या लगाया हुआ है, फ्रीक्वेंसी लगाया हुआ है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ देंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में मैंने अपना डेटा को सिलेक्ट कर लिया, और हमें किसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसका निकालना है, सिलेक्ट करके एंटर मार दिए, ये देखिए आ गया, ये बता रहा है कि 10 से 20, 10 से 20 कितना बार, कितने नंबर है इसमें, 2 नंबर है, 30 से 40 कितने हैं, तो 28 है, और 40 28 है, नहीं 10 से 20 कितने हैं, तो 20 से 30 कितने हैं, तो 28 है, 30 से 40 कितने हैं, 8 है, और 40 से ऊपर वाले 70, इसे पूरा में काउंट करके दिया, आप देख लीजिए दुनिया कि 10 से 20 आपको एक ही दिखेगा, 1 2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। अब आता है ग्रोथ, अब मुझे ग्रोथ चाहिए, जैसे कि 2010 20 25 में आपको दिख रहा है कि मुझे ये सेल हुआ है, ये मेरा ईयर आ गया, और मैं अपना ग्रोथ रेट चाहता हूं, यहाँ 10 से 20 है ना यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि आगे ग्रोथ क्या होगा, तो हमने यहाँ पे दिया ग्रोथ इक्वल ग्रोथ, ग्रोथ में हमने डाला इसका नोएज, ये रहेगा, और न्यू नहीं, ये अलग है, इसमें देना होता है, सबसे पहले आपको देना है यहाँ पे देना है आपको कि आपका सेल क्या है, फिर आपको देना है आपका कि किस ईयर में सेल हुआ है, फिर आपको देना है कि किसका चाहते हैं आप, ठीक है ना। तो यहां देते हैं ग्रोथ, ग्रोथ में मेरा सेल ये रहा, इस टाइम लाइन का है, और मुझे इस टाइम लाइन का चाहिए, तो आ गया कि 2021 में 28,000 सेल होगा, 27,000 सेल होगा, 26,000 सेल होगा, 24 होगा, 23 होगा, दिख रहा है ना सर। अब रेशो घट क्यों गया, आप यहां देख सकते हैं कि 2010 में सेल ज्यादा था, फिर घटते घटते 2020 में कम गया, तो उसी हिसाब से भी बताया कि 2031 में हमारा सेल क्या रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं परसेंटाइल फॉर्मूला, क्या बात करते हैं, परसेंटाइल जी, जैसे यहाँ पे 30% है, मुझे पता करना है कि इसमें 30% वाला, 30% के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो मैंने यहां पे परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाया,
परसेंटाइल के अंदर हमने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने सिलेक्ट किया 30 का, तो इसमें आ गया 35। अब बोलोगे 35 क्या, 35 35 क्या आया, तो हुआ क्या कि ये तो नंबर है ना, अब मुझे इस नंबर के अकॉर्डिंग 30 मुझे सेट, जैसे आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सेट करता है। अगर हम इसकी आइकन में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हम इसमें जाते हैं, आइकन्स में जाते हैं, यहां डबल क्लिक कीजिए, तो यहां दिख रहा है आपको 67 दिख रहा है, तो क्या है, परसेंटाइल है। तो यहां यहां पे उसने इसने तीनों को तीन बार दिया, तो 67% के अंदर क्या कितने नंबर्स आएंगे, किससे ऊपर के नंबर को 67% मानेगा वो। अगर मैं यहाँ पे 67% देता हूं, तो 63 से ऊपर जो भी नंबर आएगा वो 67% से ऊपर होगा, समझे। तो इसकी हाईएस्ट एंड लोएस्ट को लेते हुए परसेंटाइल लगाता है, ठीक है सर। और परसाइंट के कई सारे वेरिएंट हैं, परसाइंट ईएक्सई है आपका, परसाइंट आईएनटी है, ये परसाइंट आपका लगाने का सब कुछ है, ठीक है ना, सेम है। तो एक परसेंटाइल हो जाता है, दूसरा आता है परसेंटाइल के बाद आता है रैंक, कि आप नंबर दे रहे हैं कि, और देखते हैं कि मैं 63 नंबर किसके अंदर आता है, तो देखिए 67 के अंदर आ रहा है, तो वो आप परसेंटेज रैंक के अंदर आता है, ठीक है ना। दो आपका लगाने का तरीका बिल्कुल सेम वही है, क्लियर है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की। जैसे कि देखिए मंथ हमारा ये है और इस मंथ के सेल्स है, टोटल ये रहा और एवरेज ये रहा, ठीक है। अब वेरिएंस निकालना है, तो ये आपका वेरिएंस निकालता है। अगर मैं वेरिएंस का निकालू वेर वेर पी का, और हम नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो इसका वेरिएंस निकाल कर आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद वेरिएंस, अलग अलग वेरिएंस होते हैं, तो वेरिएंस का फॉर्मूला मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, वो निकालता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस की हम बात करें, क्या बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस। तो अगर यहाँ पे एसटीडी स्टैंडर्ड डेविएशंस, इसमें नंबर दीजिए, तो सर ये बताएगा कि नंबर के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 246 का है, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में कई सारे कैलकुलेशन है, वो आपको बताता है उसी हिसाब से क्या स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है, समझे। अब कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले है, जैसे कि बीटा है डीआईएस, रिटर्न करता है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, कि अल्फा एक्स इतना रहा, अल्फा ये रहा, बीटा रहा, ये रहा, ये सब मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये आपको बिनोमिनल फॉर्मूले हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिक स्ट्रांग होनी चाहिए तभी समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फिर मैंने फॉर्मूले की लिस्ट इसमें दिया हुआ है, आप इस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, जो आपको उस काम का लगेगा मुझे बताइएगा, वो हम फॉर्मूला आपको भेज देंगे, कर देंगे आप, ठीक है ना। अब हम इसमें, हाँ, अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो है क्या बोलते हैं, डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला, और सबसे आसान फॉर्मूला है सर वो डेटाबेस फॉर्मूला, सबसे आसान फॉर्मूला है, क्योंकि सारे फॉर्मूले लगते एक जैसे, ठीक है। अब बोलेंगे सर लगते कैसे एक जैसे हैं, बताइए, बताता हूँ। जैसे मेरा डेटा है, मुझे इस डेटा में कुछ टोटल चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस है, जैसे सेल्स टाइप ऑनलाइन होना चाहिए, पे मोड एनजीओ होना चाहिए, मुझे बोला गया कि सेल्स टाइप एनजीओ का ले लो, ऑनलाइन एनजीओ का सेल ले लो, साथ में प्रोडक्ट और इसका ग्रेटर देन 20 का टोटल ले लो, कैश में लेस देन 60 वाले एमआरपी का पूरा टोटल एक जेब बताओ, अब यहां पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मैं इसको सम इफ लगाऊं, तो एक एक करके सम इफ्स लगाने पड़ेंगे, अलग अलग ड्रैग भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग है, और कल के डेट में चेंज हुआ तो मुझे अपने आप को चेंज करना करना पड़ेगा, नहीं मुझे एक गोटा एक क्वांटिटी नहीं लेस देने मारती चाहिए, फिर से चेंज करना पड़ेगा। यहीं पे आता है डेटाबेस फॉर्मूला से डी सम, क्या है, डी सम लगाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। हमने डी सम में पहले डेटा को सिलेक्ट किया, फिर मुझे सम किस फील्ड का चाहिए,
तो मैं तो क्वांटिटी का टोटल चाहता हूं, तो मैं क्वांटिटी लिख दूं या क्वांटिटी वाले वाले फील्ड को सिलेक्ट कर लूं। फिर यहां पे आता है क्राइटेरिया कि मेरा क्राइटेरिया क्या है, ये आ गया क्राइटेरिया। एंटर मारिए 407 आ गया। ऐसे मुझे डी एवरेज है यहां पे, डी एवरेज डेटाबेस को सिलेक्ट किया, मुझे एमआरपी का एवरेज चाहिए, एमआरपी को सिलेक्ट किया, मैं यहां पे क्राइटेरिया पे गए, क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। फिर यहां पे नहीं सर, इसने क्या किया पता आपको, 470 जो आप देख रहे हैं, इसने क्या किया, तीन बार इसने फिल्टर लगा के डेटा अलग किया है। मैं बताता हूं आपको, देखिए इसने इसने डेटा मेनू बार में एक आपके पास होता है एडवांस फिल्टर, इसमें हम कॉपी टू अनदर लोकेशन करते हैं, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं पहले यहां पे, और क्राइटेरिया को सेलेक्ट किया, और यहां पे इसने ये सेलेक्ट लिया एंड ओके कर दिया। अब देखिए ये 470 जो आया वो इस क्वांटिटीज का 470 है, दिख रहा है आपको सर, समझ में आया। इसने क्या किया, ऑनलाइन उसने सबसे पहले ऑनलाइन और एनजीओ उठाया, फिर उसने कैश और गेटर, उसने क्या लिखा है, प्रोडक्ट P9 और डी ग्रेटर देन 10 उठाया, फिर कैश और लेस देन 60 उठाया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सेल्स टाइप में ऑनलाइन और एनजीओ होंगे, या फिर कैश होगा तो ग्रेटर देन 10 वाला होगा, या फिर P9 होगा। लेस देन 10 है तो वो कैश, एमआरपी एमआरपी उसकी 60 से नीचे है, देख रहे हैं ना, कैश में एमआरपी 60 से नीचे चाहिए मुझे। देखिए यहां पे सबसे पहले बताइए कि मुझे एनजीओ, ऑनलाइन एनजीओ का पूरा डेटा चाहिए, समझ गया है? मुझे हर मुझे P9 का प्रोडक्ट, P9 का डेटा चाहिए, लेकिन उसकी उसका क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं कैश का सेल लेना चाहता हूं, लेकिन एमआरपी 60 से नीचे होना चाहिए। इतना सारा क्राइटेरिया यहां पे इसने क्या किया, मैच किया, समझे? तो ये फॉर्मूला, जी हाँ जी हाँ। अब यहां हम डी मैक्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डी मैक्स हम डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम देते हैं किसका मैक्सिमम चाहिए, तो एमआरपी का चाहिए, क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर लिया, तो सबको लगाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। डी मीन डी काउंट डी वन, हाँ डी गेट थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हम डी गेट का फॉर्मूला वी लुकअप की तरह काम करता है, ठीक है ना, कि इसमें गए और मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए क्वांटिटी, क्राइटेरिया क्या है, तो इतना सारा क्राइटेरिया, ये देखिए ये क्राइटेरिया है कि मुझे सेल्स रेफरेंस में ऑनलाइन P14 एंड होम का डेटा चाहिए, 5 आ गया। पर एक सी छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर क्राइटेरिया रिपीट हुआ तो एरर आएगा, समझे? ये फॉर्मूला लिस्ट है, आप देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगली कैटेगरी बात करें और पढ़ें, चलिए अब अगला जो कैटेगरी आता है वो आता है हमारा इन्फो का, किसका, इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला। इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला जो है वो अकेले काम नहीं करता है, वो काम करता है, वो जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे सेल का फॉर्मूला लगाया, सेल में फाइल नेम सेलेक्ट कर दिया, यहां पे सेल का फॉर्मूला लगा, सेल में मैंने सेलेक्ट किया फाइल नेम, तो ये बता देगा कि कंप्लीट फाइल पाथ विद सीट नेम। अब मुझे इसमें से सीट नेम अलग करना है, क्या अलग करना है, सीट नेम, तो क्या करेंगे यहां पे, यहां पे लगाएंगे फॉर्मूला टेक्स्ट आफ्टर, और इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद का टेक्स्ट दे, आ गया इन्फो सीट नेम। उसी तरह से यहां पे एक चीज और आता है,
जैसे कि मैं यहाँ पे इन्फो फॉर्मूला एक आता है, इन्फो में मैं रिलीज दे दूंगा तो बता देगा कि मेरा एक्सेल कौन सा है, सिस्टम कौन सा है, पीसी डॉस है, क्या है, तो अकेले वर्क नहीं कर, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए आपके पास एरर है, तो मुझे इसका एरर टाइप फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरर टाइप। अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं जो सेलेक्ट करूंगा एरर को, अगर नल हुआ तो 1 देगा, डीआईवी 2 देगा, वैल्यू 3 देगा, आरएफ 4 देगा, नेम 5 देगा, नम 6 देगा, एनए 7 देगा, तो ये नंबर्स आपको बताए। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप इफ एरर लगाएंगे तो सारे फॉर्मूले को वो बदल देगा, लेकिन मुझे किसी फॉर्मूले के ऊपर अलग देना है। जी हाँ, ठीक है। तो ये हमारा एरर टाइप होता है। अब कुछ इज के फॉर्मूले, जैसे कि इक्वल इज ब्लैंक, अगर ब्लैंक किसी सेल को सिलेक्ट किया, ब्लैंक है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। जी हाँ, देखिए उसके बाद आता है इज ब्लैंक, इज एरर। अगर किसी को सिलेक्ट कर लिया और इज एरर में एनए के अलावा कोई भी एरर है, एनए के अलावा कोई भी एरर है तो ट्रू आएगा, एनए अगर होगा तो फॉल्स आएगा। फिर इज एरर किसी भी तरह का एरर होगा, इज एरर किसी भी तरह का एरर होगा तो उसके उसके जवाब पे ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। इज इवेन, अगर कोई नंबर आप सेलेक्ट करते हैं और वो नंबर इवेन नंबर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इस फॉर्मूला में अपना अगर सेल के अंदर फॉर्मूला है तो ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। इज लॉजिकल, अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू ट्रू फॉल्स देगा, तो ट्रू देगा। इज एन एन है तो ट्रू, इज नॉन टेक्स, इज नंबर, इज ऑड, ठीक है ना। ये आपको यहां शायद ट्रू फॉल्स देते हैं। अब एन फॉर्मूला नंबर होगा तो देगा, टेक्स को जीरो कर देगा, एन फॉर्मूला एन देगा, क्या एन। हाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ टेक्स दे दिए, कुछ नंबर दे दिए, अगर मैं यहाँ पे एन लगाता हूं तो नंबर शो कर देगा, शो कर रहा है नंबर, लेकिन जैसे यहाँ पे ये देखिए जीरो शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है, समझे? सीट फॉर्मूला बताएगा कौन से सीट पे है आप, और सीट फॉर्मूला बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट है। तो बेसिकली इसका अकेले यूज नहीं होता है, इसका यूज होता है कि किसी न किसी इस पे एक क्या बोलते हैं, एक इसके आउटपुट पे कोई एक और इनपुट आता है, ठीक है। तो आज मेरे हिसाब से काफी फॉर्मूले बता दिए, आप सारे फॉर्मूले चेक कर लें। अब आपकी एक लास्ट कैटेगरी रह जाती है, वो रह जाती है फाइनेंशियल फॉर्मूला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम आपको अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास आपकी फॉर्मूले की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम फाइनेंशियल फॉर्मूला, लैम्डा फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला कवर करके फॉर्मूले को फिनिश कर देंगे। फॉर्मूला खत्म होने के बाद डेटा मेनू बार बचेगा आपका, बस बाकी सब हो ही चुका है, और चार्ट्स बचेगा, डैशबोर्ड के लिए। हाँ, डैश डैशबोर्ड बचेगा, तो डैशबोर्ड आपको भी कहा। अभी सुबह मैंने पिवट डैशबोर्ड पढ़ा रहा था, उसको देखा नहीं आपने?